हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पेट्रोल, डीजल, गैस और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के भारत बंद का बाड़मेर में व्यापक असर। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस और बढ़ती महंगाई को लेकर आज 10 को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका बाड़मेर में व्यापक असर देखने को मिला। शहर के मुख्य बाजारों की अधिकांश दुकानें बंद नजर आईं। वहीं शहर के आजाद चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह खां के नेतृत्व ने महंगाई को लेकर एक दिवसीय धरना भी दिया गया। धरने के दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित विधायक मेवाराम जैन, नगर परिषद सभापति लोमकरण बोथरा उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेस वक्ताओं ने महंगाई को लेकर भाजपा सरकार का घेराव किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने जनता के हित में भारत बंद का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि बाड़मेर की जनता, व्यापारियों, मजदूरों, ठेले वालों, सभी ने कांग्रेस बंद को समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस के बंद के समर्थन को देखकर सूबे की मुखिया ने पेट्रोल डीजल से 4% वैट कम कर दिया, ये जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर से लगाकर बढ़ती महंगाई पर भाजपा आम जन को राहत दे। आज पूरा बाड़मेर के व्यापारियों ने, बाड़मेर के हर वर्ग ने इस बंद को हम सहयोग किया और उसके तहत मैं सभी जिला कांग्रेस कमेटी मेरी तरफ से, सभी की तरफ से बाड़मेर की जनता को, बाड़मेर के व्यापारियों को, मीडिया को, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सकारात्मक सहयोग दिया और जिसकी वजह से पूरा बाड़मेर सफल रहा। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।